अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, मटन की कलेजी हम बना रहे हैं। दो गोट की कलेजी हमने ली है और दरमियाने साइज़ की काट ली है। काट के तो इसको दो घंटे से दूध में भिगो के रख दिया है। दूध में भिगो के रखने का मकसद ये है कि इसमें जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये दो घंटे पहले से हमने इसको दूध में भिगो के रखा हुआ है। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, दो टेबलस्पून हमने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक एक टेबलस्पून लहसुन और एक टेबलस्पून ही अदरक है, तो टोटल मिला के हमने दो टेबलस्पून लिया है। तीन अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। नमक हम आप हसबे जायका डालें, हम इसमें डेढ़ टीस्पून के करीब डालेंगे। एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा खुशक धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून इसमें मिक्स गरम मसाला पाउडर, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और ऑयल इसमें तकरीबन आधा कप के करीब हम ऑयल यूज़ करेंगे। हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, हमने कुछ कम डाला है। इसमें हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। प्याज को हम हल्का गोल्डन करेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे, एक टीस्पून हमने लाल मिर्च, एक टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून ही हमने खुशक धनिया पाउडर और एक टीस्पून हमने नमक डाला है, हाफ टी स्पून और मसाले को मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। हम इसको पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। उसके बाद हम इस सारे मसाले को निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे हम। बस मसाला हमारा हो चुका है, टमाटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब हम चूल्हा हमने बंद कर दिया है, अब इसको निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने मसाला निकाल लिया है, निकाल के ब्लेंड कर लिया है और ये वही ऑयल उसमें थोड़ा सा और डाला है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे कलेजी। कलेजी को दूध से हमने निकाल लिया है और अच्छी तरह वाश कर लिया है। ये देखें, आप दूध में डालने से इसका कलर भी जो उजरी इसका कलेजी का जो कलर ब्लैक हो जाता है वो भी नहीं हुआ, साफ़ कलर आएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो भी इसमें कोई थोड़ा बहुत सफाई होने वाली होती है वो भी दूध डालने की वजह से बहुत अच्छी सी इसकी सफाई हो जाती है। ये कलेजी अपना ही पानी छोड़ रही है, काफ़ी सारा पानी छोड़ेगी, तो हमने साथ साथ ही इसको पकाते जाना है। हमने इतना पका लेना है कि इसका अपना पानी पूरा ड्राई हो जाए और इतने में ही कलेजी भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसको ढांप देंगे मीडियम आग के ऊपर और ये 6-7 मिनट के लिए हम ढांपेंगे ताकि इसमें ये सॉफ्ट भी हो जाए, अपने ही पानी में गल जाएगी और इसका पानी भी पूरा ड्राई हो जाएगा। तो हम इसको मीडियम आग पे ढांप के रख देंगे। हमने मीडियम टू लो हीट पे इसको ढांपे रखा है कोई 7-8 मिनट तक, या फिर तब तक आप ढांपें जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये आप देखें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, सिर्फ ऑयल रह गया है और ये काफ़ी हद तक इसी में ही ये सॉफ्ट हो गई है। ये आप देखें, इस एक हम तोड़ के भी देखेंगे। ये देखें, जिनको ये जिनकी ये शिकवा जिनका होता है कि उनकी कलेजी उनसे सॉफ्ट नहीं होती, सख्त हो जाती है, तो उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही सही तरीका है। क्योंकि इसमें आपने देखा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अभी ही,
अभी तक इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं डाली, जो हमने मसाला पूरा इसका ब्लेंड करके रखा है। ये देखें, ये आप देखें, ये बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है हमारी कलेजी, ये देखें फौरी से। तो अब ये हार्ड बिल्कुल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल सिर्फ इसका रह गया है। अब हमने जो इसका पूरा मसाला का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, जितना भी है पूरा डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको दोबारा से हम तेज़ आंच कर देते हैं और दोबारा से हम इसकी कुकिंग करेंगे, इतनी कि ये मसाला पूरा इसका जो भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल दोबारा से ऊपर आ जाए। तो हम इसको मीडियम टू हाई आग पे इसको हम कुकिंग इसकी करेंगे। पूरा मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के, तो मैंने ब्लेंडर जग को साफ़ करके वो भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको, एक दफ़ा गर्म हो गया है हमारा मसाला, अब हम इसको मीडियम टू लो आग कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए दोबारा से ढाँप देंगे, ताकि हमारा जितना भी मसाला है इसमें नमक मिर्च सारी स्पाइसेस इसमें मौजूद हैं, तो इसका पूरे का फ्लेवर हमारे कलेजी के अंदर आ जाए। तो हम इसको मीडियम टू लो हीट पे 2 मिनट के लिए ढाँपेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमने बिल्कुल हल्की आँच पे रखा था मीडियम टू लो। अब हम इसको चेक कर लेंगे, इस पर बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये आप देखें, इसका बिल्कुल कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ये कलर इसका डार्क नहीं हुआ, अच्छी सी वाइट वाइट सी है। ये इसकी टिप वही है कि इसको आपने दूध में 1 से 2 घंटा ज़रूर भिगो के रखना है। ये देखें, तो अब हम, मैं पहले सिरका बताना भूल गई थी, आखिर में हम 1 टीस्पून के बराबर सिरका डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इसके अंदर, लेकिन हम आखिर में सिरका ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल आखिर में, जब अभी हम भूनने लगे हैं इसको थोड़ा सा, तब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। तो ये मैंने पहले रेसिपी में नहीं दिखाया, तो आप अभी ये नोट कर लें। ये हमने रेड सिरका डाला है, एप्पल सिडर, वाइट वाला हमने नहीं डाला है। तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, हम इसको चपाती के साथ खाने वाली रखेंगे। पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया। ये देखें आप, इसका अपना ही ये बहुत अच्छी सी थिक सी ग्रेवी थोड़ी सी बन गई है। तो ये बस हमने तकरीबन 1/2 मिनट के लिए और तेज़ आंच पे इसको कर लेना है ड्राई, तो फिर ये बस इंशाल्लाह रेडी है, चपाती या नान के साथ आप खाएं इसको। बस हमारी हो गई है, हमने चूल्हा बंद कर दिया है इसमें और ये कलेजी तैयार है। ये हमने डिश आउट कर दिया है लिवर, ये देखिए बहुत मज़े का तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, जब आप इसको ट्राई करेंगी, ईद के मौके पे कुर्बानी आ रही है, तो कुर्बानी में ख़ास कर आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ट्राई करने के बाद कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसी बनी ये डिश। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।